के अंदर पांच उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन हम सभी का दायित्व बनता है ऐसे उन लोगों को हम समाज में आगे बढ़ाने का काम करें, उनको आगे ला करके उनको जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं में सहयोग देते हुए उनको मजबूत बनाने का काम, ये हमारे समाज का दायित्व है। हम सभी, क्योंकि यह समाज अग्रणी समाज है, और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबका दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है, समाज के हर तबके को लेकर के, हर किसी समाज को, कोई भी समाज में हो, उन लोगों को सहयोग करते हुए, आपसी समन्वय करते हुए उनको भी आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। आपने देखा है, हम राष्ट्र की मजबूती के लिए, हम देश की मजबूती के लिए, हम समाज की मजबूती के लिए काम करते हैं, और जब हम काम करते हैं, लगन से करते हैं, अनुशासन के साथ काम करते हैं, तो कई बातें हमारे सामने आती हैं। कभी हमारा यह समाज जातिवाद नहीं रहा, कभी इन्होंने किसी जाति से परहेज नहीं किया, सभी जातियों का सम्मान करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, कोई भी समाज हो जिसमें आवश्यकता है, हम सबको मिलकर के हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, हमारे जिले को आगे बढ़ाना है। हर समाज का व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उस सबको आगे बढ़ाते हुए हमें काम करना है। यह हरियाणा गौर ब्राह्मण समाज हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करता है। मेरे को पहले भी आमंत्रित किया था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं आ पाया। मेरे को बीच में एक कार्यक्रम प्रतिचंद जी ने रखा था घर पर, उसमें भी मैं नहीं आ पाया। आपने कहा मेरे से, मैंने कहा निश्चित रूप से मैं आऊंगा, आज भी मुझे अभी निकलना है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि उन्होंने 1 बजे का समय दिया था। कल जब मैं जापान से वापस आया तो ये सभी लोग मिले, मैंने कहा सुबह जल्दी कार्यक्रम कर लीजिए, मैंने इनको आधा पौन घंटा पहले बताया, जिससे कि अगर मैं लेट भी थोड़ा सा आऊंगा तो आप जल्दी करेंगे तो मैं जल्दी मेरे काम के लिए निकल जाऊं। मैंने देखा है, आप सभी का काम भी देखा है, समाज के हर क्षेत्र में आप काम करते हैं, क्योंकि हरत ऋषि जी ने की संतान है। हरत ऋषि एक महान ऋषि थे जिन्होंने कृषि के महत्व को समझा, इसे धर्म का एक अंग बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि खेती करना सिर्फ रोजी रोटी कमाना नहीं है, बल्कि एक पवित्र काम भी है, और हम उस खेती के माध्यम से हम अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम अन्नदाता हैं, और अन्नदाता होता है वो सभी का होता है, और वो अन्नदाता समाज में अन्न की पूर्ति करने का काम करता है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, किसान के मन में कोई पाप नहीं होता, किसान के मन में किसी तरह का दोष नहीं होता है, क्योंकि मैं भी किसान हूं, मैंने भी किसानगिरी की है, मैंने भी जानता हूं कि किसान की स्थिति क्या होती है। किसान की खेती वो होती है कि जब जानिए जब खलिहान से घर में आ जाए, और नहीं उसको तो हमेशा डर ही सताता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता, किसान का कहते हैं कि किसान का कौन है, हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, तो उसका उत्तर यही होता है कि हारी हुई जंग पर किसान ही लड़ता है, किसान ही ऐसा व्यक्ति है। क्योंकि अगर अच्छा, अगर फसल खराब हो जाएगी तो अगली साल किसान छोड़ थोड़ी देगा, वही किसान फिर भी वही फसल करेगा। अगर उसको किसी भी तरह से ओला पड़ जाए, सर्दी
में फसल खराब हो जाए, किसी रोग से ग्रसित हो जाए, लेकिन किसान फिर भी किसानगिरी करेगा, दोबारा से हारी हुई जंग पर लड़ेगा और मेहनत करेगा, लेकिन उसका भरोसा उस ऊपर बंसी वाले के ऊपर है और वो किसान की मेहनत को पूरी करके देता है, ऐसा मेरा मुझे विश्वास है। मित्रों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यह बदलता हुआ समय है और बदलते हुए समय में हमें समय के साथ चलना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं उनमें शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ेंगे तो समाज की उन्नति होगी। गांव में कहते हैं, सभी जगह कहते हैं, गुरुजी भी कहते हैं, और यह बालक के अंदर भाव पैदा करना होता है, क्योंकि व्यक्ति हर चीज में से बांट लेता है, लेकिन अगर किसी को शिक्षा ठीक प्रकार की मिल गई और शिक्षा ठीक प्रकार से ग्रहण कर ली तो उस शिक्षा में से कोई नहीं बांट सकता, कोई नहीं बांट सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे आने वाली पीढ़ी को यह आपको करना होगा, आप सभी का दायित्व है, माता पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते, चाचा होने के नाते, ताऊ होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दिलाएं, हम उनको अच्छा स्किल दिलाएं, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, इस समय में सबसे बड़ी बात होती है माता पिता और हमारे बुजुर्गों की सेवा का भाव आने वाली पीढ़ी के अंदर होना चाहिए। निश्चित रूप से आपने जिन ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान किया है वो आगे आने वाले समय में हमारे गांव का, हमारे परिवार का निश्चित रूप से नाम रोशन करेंगे। आप इसको इतना छोटा मत लीजिए। मैं कहना चाहता हूं, एक प्रतिभाशाली बालक और बालिका के लिए मंच पर सम्मान करना, उनको प्रोत्साहन करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। उनके मन में जो भाव आता है, जो उमंग आती है, उस भाव और उमंग के साथ जब बच्चा मेहनत करेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि कर्म ऐसा है, यह मेहनत ऐसी है, और जब मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है और उस मेहनत का फल मिलता है। इसलिए मैं ऐसे छात्रों छात्राओं को भी कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आपके सपने के लिए आसमान खाली है, आप उड़ान भरिए, सपने देखिए, लेकिन रात के नहीं दिल के सपने देखिए। सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, सोने नहीं देते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी यह पहल बहुत ही अच्छी पहल है। हमारी सरकार ने भी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के काम की सहूलियतें दी है, उनके अपने सपनों को साकार करने के लिए उचित अवसर मिले, इसके लिए भी हमने काम किया है। एक मजबूत और समृद्ध समाज की नींव शिक्षा पर टिकी है, इसलिए हम बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने का काम करें और उनकी मदद भी करें। 8वीं 10वीं 12वीं मेरिट में आने वाले 23,000 विद्यार्थियों को 3 साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले टैबलेट निःशुल्क देने का काम हमारी सरकार ने कर रही है। 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित करने के लिए प्रदेश के सभी संभागों में राजस्थान फिनिशिंग स्कूल की स्थापना भी की जा रही है, जिससे प्रतिभावान छात्रों को उसमें सहूलियत मिल सके। युवावस्था से ही उत्तम
विकसित करने के लिए विद्यालयों महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जापान और कोरिया की यात्रा से कल ही आया। मैंने कोरिया के अंदर देखा कि जो हमारे छात्र हैं, वहां की छात्र और छात्रा हैं, उनको स्किल को लेकर के वहां के लोग बहुत ही हमसे आगे हैं। मैं एक विद्यालय में गया था और विद्यालय था 1899 का, 126 साल पुराना विद्यालय था जिसमें मैं गया था। जब मैंने जाकर के देखा वहां हमारे पांचवी तक के प्राथमिक विद्यालय के छात्र, हमारे उच्च प्राथमिक के छात्र, वो स्किल के माध्यम से 10-10, 15-15 छात्रों का ग्रुप था और वो स्किल के माध्यम से नई नई खोज भी कर रहा था, नई नई इनोवेशन भी कर रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे स्किल के माध्यम से अपना काम भी करना सिखाएं, जिससे आने वाले समय में वो नौकर नहीं उनकी भूमिका मालिक की हो, उनकी भूमिका मालिक की हो, ये काम भी हमें करना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत देश और प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं पढ़ाई के खर्च का भी सरकार हमारी वहन करेगी। जो ऐसे छात्र हैं उनको भी हम विदेश भेजने का काम करेंगे। युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी बनाकर दो साल में कम से कम 2 से 2.5 लाख युवाओं को हम अपने क्षेत्र में काम करने के लिए भी आगे प्रशिक्षण देंगे। नई तकनीकी में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलेटर स्थापित किया जाएगा। अगले 5 साल में हमने कहा है, हम सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरी होंगी और 6 लाख से ऊपर हमारी प्राइवेट नौकरियां होंगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार हमारे राजस्थान के भविष्य के लिए, ऐसी उन प्रतिभाओं के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करती है, और उस कामना के साथ साथ मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, आप आइए, आकर के अपने इस कौशल को दिखाइए, अपना जो आप जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, निश्चित रूप से उसका फायदा राजस्थान के युवाओं को मिलेगा। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इतना अच्छा कार्यक्रम आपने रखा, मैं दिल की गहराइयों से मंच पर विराजमान सभी हमारे अति और मैं सभी आयोजक जो है माननीय प्रीति चंद जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें आप सभी को मेरे को प्रीति चंद जी ने बताया है, अरे अच्छे काम के लिए हमेशा हमारी सरकार बिल्कुल तैयार रहती है। आपने 2 हॉस्टलों की बात की है कि आपकी फाइल चल रही है, आप करते जाइए, अच्छे काम के लिए हमारी सरकार आपके साथ है, आपकी जो फाइल चल रही है उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। और मैंने कहा है राजस्थान का कोई भी समाज हो, कोई भी समाज आकर के बच्चों की पढ़ाई के लिए वो अगर अपना हॉस्टल बनाना चाहता है, आइए बनाइए, हमारी सरकार उनको निःशुल्क जमीन देने का काम करेगी और उस हॉस्टल बना करके, क्योंकि हमारे प्रतिभावान जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरह से आगे आ सकते हैं, हम उसमें किसी भी तरह की और कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ उन्हें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरा स्वागत और सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जिस उत्साह और उमंग में देख रहा हूं, आप निश्चित रहिए आपका ये छोटा भाई हमेशा आपके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आपके आगे खड़ा मिलेगा कि 10,000 विश्व